بسم الله الرحمن الرحيم कि ये जो कारोबार है क्या ये वेले बंद कर सकते हैं? ये कारोबार ही वेले बंद हो गए माशाल्लाह। यानी कि जो जिसे कहते हैं कि जी असी कख ना पनिए ते आराम ना बैठ के रोटी खाइए, ये उनके लिए बेहतरीन है जी। बिल्कुल, सारा दिन सोओ सही, 3-4 बजे आओ, ताला खोलो ते बैठ जाओ आराम ना सुकून नाल। जो बंदे नहीं आओ 11-12 बजे ताला लगाओ, सेल जेबी च पाओ, गरम करो जेब ते घर जाओ। क्या बात है, चार हो गई है, अल्लाह की करम नवाजी जी। इसी तरह जी राजा कर आपकी जात है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 10 रुपए का टोकन है, 10 रुपए का। बच्चे की कैंडी नहीं आती 10 रुपए की। अच्छा जी, इसी रुपए दे रहे हैं, बच्चे खुश कर रहे हैं 10 रुपए में। 100 रुपए के 10 टोकन मिलेंगे, 100 रुपए के 10 टोकन, और आपके बच्चे जो है वो बिल्कुल राजी होके जाएंगे इधर से। सही। अच्छा, तो ये फोर्ट्रेस वगैरह जो आईलैंड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसी तरह सारा दिन आप आराम करें, शाम को 5-6 बजे आए, 3-4 घंटे अपना बिजनेस करें और अच्छी मोटी दिहाड़ी लेके घर जाए और आराम से नींद सोएंगे आप। मेरे ख्याल से 2 लाख से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा लगे रनिंग में बिजनेस आए, सही, तो सही। लगे कि ये बढ़ रहा है, तो आप उसी हिसाब से ये बढ़ाते जाए। सही। तो जो बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये 30,000 का माइंड रखे तो ये स्टार्ट कर ले। 2 लाख का बिजनेस जो है ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 लाख से 3 लाख मैक्सिमम बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तेरा बरकातु, आपका होस्ट मोहम्मद वीर पाकिस्तान मायशा चैनल में आप सबको शामिल करता है। नए लोग नई जगह, लेकिन मकसद ये कि आपको बहुत ही अच्छी और म्यारी वीडियो के रिव्यूज करवाए जाएं। आज हम आपको मिलाएंगे हाफिज इफ्तार साहब से, जो कि कसाई थे लेकिन काम इतना बेहतर नहीं चलता था। अब इन्होंने प्ले लैंड बनाया और प्ले लैंड से 1 साल में माशाल्लाह 4 ब्रांचेज ओपन कर लिए दोबारा इन्होंने। और जो लोग शमाली लाहौर में, अंदरून लाहौर में रहते हैं, उनके लिए ये किसी भी तफरीही मुकाम से कम ये नहीं होगा। चन्ना प्ले लैंड पे हम इस टाइम मौजूद हैं, तो आइए मिलते हैं हाफिज इफ्तार साहब से, बाकी सारी डिस्कशन करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाफिज साहब, ये मैंने जरूर सुना है कि जी कसाईयों ने दोबारा कसाईयों के काम किया है, लेकिन आपने तो क्या ही बात है, कसाईयों का काम छोड़ के प्ले लैंड शुरू किया है और एक प्ले लैंड से आपने 1 साल में 4 प्ले लैंड बना लिए हैं माशाल्लाह। ये तो अल्लाह की रहमत है जी माशाल्लाह। प्ले लैंड से 4 हो गई है, अल्लाह की करम नवाजी है जी। इसी तरह जी राजा कर आपकी जात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाफिज इफ्तार साहब, आप ये बताइएगा कि अगर ये वीडियो देख के हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आएंगे, तो उन्हें एक टोकन कितने का तकरीबन पड़ता है? सिर्फ 10 रुपए का टोकन है, 10 रुपए का। बच्चे की कैंडी नहीं आती 10 रुपए की। अच्छा जी, इसी रुपए दे रहे हैं, बच्चे खुश कर रहे हैं 10 रुपए में। 100 रुपए के 10 टोकन मिलेंगे, 100 रुपए के 10 टोकन, और आपके बच्चे जो है वो बिल्कुल राजी होके जाएंगे इधर से। सही। अच्छा, तो ये फोर्ट्रेस वगैरह जो आईलैंड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही, ठीक हो गया। अच्छा हाफिज साहब, अगर हम अपने बच्चे लेके आते हैं, 4 या 3 झूले हम लोगों ने लिए, ठीक है, कोई जरूरी काम आ गया जी, जाना पड़ गया, टोकन हमारे खत्म नहीं हुए, तो उस सिलसिले में आप बताएं क्या कर सकते हैं? आप टोकन रिटर्न भी कर सकते हैं। सही। पैसे वापस ले सकते हैं। सही। नहीं तो आप टोकन साल लेके जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आप टोकन लगा सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, एक ही जो टोकन है जो हर ब्रांचेस पे आपके चलेंगे? जी जी बिल्कुल, 4 ब्रांचों पे एक ही टोकन चलेगा। एक ही टोकन 4 ब्रांचेस पे चलेगा। और आपकी ब्रांचेस किस किस एरिया में, ये बताएंगे जरा? जी मेरी पहली ब्रांच है जानीपुरा चौक में। सही। जानीपुरा चौक में किस जगह सर? जानीपुरा चौक में या शफका चीमा के घर के बिल्कुल साथ ही है। क्या बात है, चीमा साहब के घर के साथ है जी, जी। आप उधर आए, चीमा साहब से भी मिले और चन्ना प्ले लैंड से आके एंजॉय करें। और सर दूसरी ब्रांच? दूसरी है हमारी टोके वाले चौक में, टोके वाले चौक के बिल्कुल साथ ही है। सही। और सर तीसरी? तीसरी हमारी है मक्खनपुरे चौक में। मक्खनपुरे चौक में।
सर वो बाजार कौन सा कहलाता है? चामीरा बाजार। चामीरा बाजार में वो जो चने वाला बड़ा मशहूर है, क्या नाम है? मोटा चने वाला। मोटा चने वाले से आप चने खाएं सुबह के टाइम और शाम के टाइम आए आप चन्ना प्ले लैंड पे और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। और सर चौथी ब्रांच कहाँ बना रहे हैं? सर चौथी हम बना रहे हैं चौक नाखुदा वसनपुरे में। चौक नाखुदा वसनपुरे में जी नवीद भाई, माशाल्लाह। अच्छा सर ये हमारे व्यूवर्स ने देखे हैं माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे झूले हैं, ये कितने साल के बच्चे ये झूले ले सकते हैं? सर ये एक साल से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा होता है। सही, तो वो 10-12 साल का बच्चा इजीली ले सकता है। एक साल से 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो झूले ले सकते हैं। अच्छा सर आप ये हमें बताएंगे कि ये जो कैमल है, अगर ये भाई कोई हमारी जो वीडियो देख रहा है, एक तो इंटरटेनमेंट के लिए ना, तो अगर ये कोई भाई काम करना चाहता है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये तकरीबन कितने का ये झूला एक हो जाएगा? ये सर अलग-अलग झूले की क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट है। सेकंड मैं ये बोलूंगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसी तरह अच्छा है। सारा दिन आप आराम करें, शाम को 5-6 बजे आए 3-4 घंटे अपना बिजनेस करें और अच्छी मोटी दिहाड़ी लेके घर जाए और आराम की नींद सोएंगे आप। और ये देख ले आप हाफिज साहब को, ये बड़े पतले से थे अब ये भी मोटे हो गए, ये देख ले मोटी दिहाड़ियों की वजह से मोटे हो गए। सो के आराम कर करके मैं मोटा हो गया। सही है। अच्छा हाफिज साहब ये प्राइस तो बताई नहीं आपने सर। सर मिनिमम और मैक्सिमम कोई राउंड अबाउट कोई? मिनिमम ये लगा ले के 30,000 से स्टार्ट होता है। सही। और जैसे जैसे इसको झूले को साइज बढ़ाते जाएंगे, सही, क्वालिटी बेहतर करते जाएंगे, क्वालिटी बेहतर करेंगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सही, ठीक है। यानी के आसान लफ्जों में अगर कहें तो 3-4 लाख में मेरे ख्याल से 2 लाख से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छा लगे, रनिंग में बिजनेस आए, सही, तो सही लगे कि ये बढ़ रहा है, तो आप उसी हिसाब से ये बढ़ाते जाए। सही। तो जो बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये 30,000 का माइंड रख के तो ये स्टार्ट कर ले, 2 लाख मिनिमम का बिजनेस जो है ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 लाख से 3 लाख मैक्सिमम बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो ये आप देख भी सकते हैं, ये साथ साथ झूले भी चला के दिखाते हैं। ये हमारा सबसे प्यारा झूला है माशाल्लाह, ये बच्चे जो है ना ये बहुत लाइक करते हैं माशाल्लाह। और 10 रुपए में झूला, 10 रुपए का झूला जनाब, आप ये देख भी रहे हैं, होड़ के लगी हुई है ये होड़ है, ये आपको हमारी शॉप के अलावा कहीं पे नजर नहीं आएगा। सही। ये गारंटी है। सही माशाल्लाह। ये मेरा अपना डिजाइन दिया हुआ है, ये किसी और दुकान पे आपको नजर नहीं आएगा, ये गारंटी है माशाल्लाह। अच्छा ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साल में हमारा जो है ना ये भी निजाम स्टार्ट हो गया। सही। अच्छा हाफिज साहब अगर ये कोई हमारा भाई ये झूलों का काम शुरू करता है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो सर जो तो हमारे से परचेज करेगा ये, सही, हम उसको सर्विस देंगे। सही, ठीक है। अगर वैसे भी किसी भाई ने बाहर से लिया तो हम जो है ना उसको वैसे भी हम सर्विस देते हैं। ठीक माशाल्लाह। अच्छा हाफिज साहब दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कारोबार है क्या ये वेले बंदे कर सकते हैं? ये कारोबार ही वेले बंदों का माशाल्लाह, यानी कि जो जिसे कहते हैं कि जी असी कख ना भनिए ते आराम ना बैठ के रोटी खाइए ये उनके लिए बेहतरीन है। जी बिल्कुल, सारा दिन सोवो, सही, 3-4 बजे आओ ताला खोलो ते बैठ जाओ आराम ना सुकून नाल, जोकन दे दे आओ 11-12 बजे ताला लगाओ सेल जेबी च पाओ गरम करो जेब ते घर जाओ। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत ही अच्छा जी। सर ये आगे भी झूले दिखाइएगा जरा हमें, ये बहुत ज्यादा इनके पास इस टाइम इस शॉप में कितने झूले सर मौजूद है? इस टाइम इस शॉप में 25 के रोन बोन जो है ना ये झूले पड़े हुए, 25 झूले पड़े हैं, सभी झूले आला क्वालिटी के जो है ना। सही। तो सर मिसाल के तौर पे ये मेरा झूला है, ठीक है, इस पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं? ये 2 बच्चे बैठेंगे 10 रुपए में बच्चा, 10 रुपए में एक बच्चा जी, 2 टोकन लगेंगे इसमें। सही। 20 रुपए में 2 बच्चे, 2 मिनट का झूला स्कूल से लेंगे, 1.5-2 मिनट का होता है। सर चला के दिखाएंगे हमें जरा? जी बिल्कुल। ये मेरे बच्चे टोकन लाओ, ये देखे मच ये
ये देखें जी माशाल्लाह, रात 1 बजे का टाइम है। हाफिज साहब टाइम बताइएगा जरा। 1 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है और मैं तकरीबन 1 घंटा वेट करके मैं वीडियो बनाने लगा और अभी भी कस्टमर्स का रश है। ये हमारे कैमरामैन भाई दिखा सकते हैं जरा, ये देख लें जी, अभी भी कस्टमर्स का रश है। कस्टमर की प्राइवेसी के लिए जो है ना हम लोग इस टाइम जो है ना झूले वीडियो बना रहे हैं ताकि कोई लेडीज वगैरह की वीडियो ना आए, लेकिन वो भी दिखाएंगे। लोग दुकान नहीं बंद करने देते रात को 1 बजे। सही है माशाल्लाह, बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, मैंने लेके जाने हैं। सही है, हमारे तरले करते यार दुकान खोलो, बच्चा रो रहा है। सही माशाल्लाह, कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है सर। अच्छा सर, ये कितने मल्ले का ये एरिया होगा आपका? 5 मल्ले। 5 मल्ले में आपने कितने झूले लगाए हैं? 25 झूले लगे हैं। 25 झूले लगे हैं। अगर आप 5 मल्ले का हाल लें तो 15,000 का 20,000 का हाल मिल जाता है, मामूली बात है। मैक्सिमम 20,000 का, मैक्सिमम 20,000 का रेंट है। ये 25 झूलों का जो बिल है ना, ये कमर्शियल मीटर का आपको 8 से 10 हजार से ज्यादा नहीं आएगा। 15,000 या 20,000 आप रेंट लगा लें और 10,000 आप बिल लगा लें, 30,000 आपका महीने का जो है वो खर्चा लगेगा और आप माशाल्लाह 2-2.5 लाख लगा के 3 लाख लगा के बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं माशाल्लाह। तो सर ये भी चला के दिखाइएगा जरा, ये 3 बच्चे बैठते हैं 20 रुपए में। सही, 3 बच्चे 7 रुपए, 1 बच्चे के लिए यानी कि 2 टोकन में 3 बच्चे बैठेंगे। 3 बच्चे बैठेंगे। सही माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है सर। ये अच्छा, इनके म्यूजिक्स भी अलग अलग है जी, जैसा आप चाहें वैसा म्यूजिक इसको लगेगा। अच्छा, जैसा यानी कि कस्टमर चाहेगा वैसा म्यूजिक लग जाएगा, लाइटिंग वैसी होगी, म्यूजिक वैसा होगा। सही माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस अच्छे तरीके से ये डेकोरेशन की हुई है। अच्छा सर, अपना मोबाइल नंबर बता दें और ये अपने जो आपके वालिद साहब हैं परवेज साहब, उनका भी मोबाइल नंबर बताइएगा ज़रा जी। वालिद साहब का मोबाइल है 0323-4886-501। ठीक है माशाल्लाह। और मेरा है 0322-4555-911। ठीक है, आप ये झूला अगर लगवाना चाहते हैं यानी कि ये प्ले लैंड बनवाना चाहते हैं तो आप हाफिज साहब से रब्ता कर लें या परवेज साहब से रब्ता कर लें, या फिर आप एड्रेस पूछना चाहते हैं और अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता करके यहाँ आए, यहाँ आके अपने बच्चों को यानी कि एक तफरी मुकाम है, अपने बच्चों को इधर आप सैल करवाएं, आप झूले जलवाएं और अपने बच्चों की जो इंटरटेनमेंट है उसमें इजाफा करें। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वीर को आप इजाजत दें क्योंकि शोर बढ़ता जा रहा है और बच्चे आते जा रहे हैं और हाफिज साहब ने शॉप भी बंद करनी है और वो मेरी वजह से शॉप भी बंद नहीं कर रहे और उनकी आंखों में नींद भी आई हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वीर को आप इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।